सलाम अलैकुम नाजरीन, रमजान का मुबारक महीना शुरू है और हमें इफ्तारी से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है आज के इस वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोजदार की एक भी दुआ इफ्तारी के वक्त रद्द नहीं की जाती। इफ्तार के वक्त कसरत से दुआ मंगा कीजिए, उस वक्त अल्लाह और बंदे के बीच एक भी पर्दे का फासला नहीं होता। अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब होता है। दुआ कबूल का बेहतरीन वक्त इफ्तारी का है। इफ्तारी के वक्त इस तरह से दुआ किया कीजिए। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह से अपने लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। अल्लाह से इस तरह मांगिए कि ए रब्बुल इज्जत, सारी कायनात के शहंशाह, जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, आसमान और जमीनों के मालिक, पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, अर्श अजीम के मालिक, इज्जत और जिल्लत के मालिक, बीमारों को शिफा देने वाले बादशाहों के बादशाह, या अल्लाह तूने तो बगैर किसी सुतून के इतना बड़ा आसमान हमारे ऊपर रखा है जो कभी नहीं गिरता। बेशक यही तो तेरी शान है कि तू हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। इन्नल्ला अला कुल्ली शैइन कदीर, इसलिए तेरा नाम अल कादिर है। तू चाहता है तो रात होती है, तू चाहता है तो दिन होता है। जो तू चाहे कि दिन रात में बदल जाए और रात दिन में बदल जाए, तो मौला बस चाहे और यह अमल भी पलक झपकते ही हो जाए। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि इफ्तारी के वक्त जब बंदा प्यास की शिद्दत से अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो वह दुआ जरूर कबूल होती है और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहता है कि देख मेरा बंदा मुझसे कैसे दुआ मांग रहा है। इस तरह आगे दुआ मांगिए कि या अल्लाह, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया है। या अल्लाह, हम बहुत बुरे हैं, हमारी खताओं को माफ कर दे। इस रहमत के महीने में अल्लाह हम सभी के दिलों में रमजान की सच्ची मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह, अगर रमजान में भी हम महरूम रहे तो अपनी दुआएं पूरी करवाने से तो मालिक किस महीने में हम करवा सकेंगे अपनी दुआएं पूरी। रमजान तो मौला तमाम महीनों का सरदार है, ये तो माहे गुफरान है। इसमें भी खाली हाथ हम लौटाए गए तो अफसोस हमारे नसीबों पर। या अल्लाह, कि हम तो बदकार हैं, लेकिन तू तो रहमान है, गफूर रहीम है। या रब, हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल कर और या अल्लाह, हमारी टूटी फूटी इबादतों को भी कबूल कर ले। या अल्लाह, तुझे तो सब खबर है, तू तो अपने बंदों के हर दिल को जानता है, दिल की हर तमन्नाओं को जानता है। ए मेरे मौला, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी कर दे। इस तरह अपनी जायज़ तमन्ना भी अल्लाह ताला से ज़रूर मांगे। हमारे हालात किस दौर से गुजर रहे हैं, हम किस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, मौला तुझे तो सब खबर है। तेरे सिवा कोई नहीं है जो इन तकलीफ़ों से और परेशानियों से हमें निजात दे। या मेरे अल्लाह, मेरे लिए इसे आसान कर दे। इस दर्द भरी ज़िंदगी को खुशियों से अपनी रहमत से भर दे। बेशक तू चाहेगा तो पल भर में मेरा हाल बदल जाएगा। बस तेरी एक चाह की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। कुन फयकुन या रब्बी, कुन फयकुन या अल्लाह। मुझे पता है तूने हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, हर चीज अपने वक्त पर ही होगी। लेकिन मौला ए करीम, तेरे ये बंदे बड़े बेसब्र और हालतों से घबरा जाने वाले हैं। या अल्लाह, मुझे सब्र कामिल नसीब फरमा। या अल्लाह, मेरे दिल को ठंडक पहुंचा। या अल्लाह, सब्र नहीं आता, मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, फ्यूचर का सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। या परवरदिगार, जल्द से जल्द हमारे हक में फैसला फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक हमें नवाज दे, हमारे आमाल के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। कौन है तेरे सिवा हमारा मददगार, या अव्वलू या आखिरू, तू ही तो है और तू ही था और अल्लाह बेशक हमेशा तू ही रहेगा। हमने तो एक उम्र खताओं में गुजार दी है, गुनाहों में गुजार दी है। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। ए मौला ए करीम, तू हमें अपनी रहमत से नवाज दे, हमारी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में कर दे, हमें वहां से अता कर जहां हमें कुछ गुमान भी नहीं है। या अल्लाह, बेशक तू चाहता है तो वो काम भी हो जाता है जो कभी हो ही नहीं सकता। हमारी अंधेरी सी जिंदगी में सिर्फ तू ही है एक उम्मीद की रोशनी। या रब, रहम फरमा, करम फरमा, इन खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, वो कर दे जिससे दिल को सुकून मिले, रूह को राहत मिले। तूने देखा है मौला, रातों को मेरा तड़पना तूने देखा है मौला, हंसते हंसते मेरा रो देना तूने देखा है मौला, मेरी दुआओं में तड़प तड़प कर रोना। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में मेरी सारी खुशियाँ सिर्फ तेरी एक नज़र की मुंतजिर है। बेशक तू कह देगा कुन फयकुन और मेरी जिंदगी को मिल जाएगा हर तरीके से सुकून। करम फरमा मौला, करम की घड़ी मेरी जिंदगी हाथ फैलाए खड़ी है, रहम कर दे मौला, तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझ डूबते हुए को बचाए। इस तरीके से तौबा कीजिए सच्चे दिल से, अल्लाह ताला हर तमाम दुआओं को कबूल फरमाएंगे और हम सबके हक में बेहतर फैसला फरमाएंगे। आमीन।
इस दुआ को सबके साथ शेयर कीजिए, क्या पता किसकी आमीन से हमारी ये दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह हमारी जुबान पर कलमाए तैयब हमेशा जारी रख। अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। इफ्तारी के चंद मिनट पहले यानी कि अजान के कुछ वक्त पहले ये दुआ भी पढ़नी है। अल्लाह हमें पूरे रमजान की नेमतें अनवार और बरकत से मालामाल फरमा। या मौलाए करीम हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और हलाल रोजी अता फरमा। ए अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम और मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बना, आमीन। अल्लाह हमें लैलतुल कद्र नसीब फरमा। या अल्लाह हमें हज मकबूल और मबरूज नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह हमें बुग्ज़ वकीना बुराई व झगड़े फसाद से दूर रख। अल्लाह हमसे तंग दस्ती खौफ घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा दे, आमीन। ए मालिकुल मुला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने और शैतान के शर से महफूज रख। या अल्लाह सब औरतों को पर्दे की पूरी पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिन और मोमिनात को महफूज रख, आमीन। अल्लाह हमें तकवा और परहेजगारी अता फरमा। या अल्लाह हमें हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर कायम रख। या अल्लाह हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की नेक तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कयामत के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारी झोली अभी भी खाली है, हम सब की झोलियों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह हमारी हर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमें कयामत के दिन हुजूर अकरदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाह तो अपनी मोहब्बत और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह हमें मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से बचा, आमीन। ए अल्लाह मुनकर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। ए अल्लाह हमें इस बार रोज़े कयामत अपना दीदार नसीब फरमा। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। इस तरह से अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ कीजिए। रोजे में अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ को कबूल करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इफ्तारी से चंद मिनट पहले आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।